अस्सलामु अलैकुम सामिन इकराम, 22 अक्टूबर है। आज जुमे की नमाज़ के हवाले से हरियाणा के शहर गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आई थी कि वहाँ नमाज के दौरान ही बजरंग दल वालों ने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं। सवाल यह है कि इनको रोकने का काम किसका है? पुलिस ने रोका तो, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। गुड़गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि वहाँ बड़े कारखाने हैं, मुस्लिम मजदूर नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, मसाजिद कम हैं, इसलिए इंतज़ामिया ने और ख़ुद वज़ीर आला मनोहरलाल खट्टर ने नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन शर पसंदों को ये खिल नहीं रहा है। ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये उनको रास नहीं आ रही है। आज चुनाचे शर पसंद बजरंग दल के लोग कुलभूषण की क़यादत में गुड़गांव के सेक्टर 12 में पहुँचे और नमाज की तैयारी कर रहे, वजू कर रहे लोगों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए। ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको रोका जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए? जब तक इनको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये माहौल ख़राब करते रहेंगे, क्योंकि पिछले कई जुमों से वहाँ ऐसा ही हो रहा है। इस सिलसिले में मौलाना साबिर कासमी और मुफ्ती सलीम बनारसी की जो गुफ्तगू हुई है वो भी आप सुन लें। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रहा आज जुमे का अपडेट? आज का अपडेट ये रहा कि आज 47 में तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये बजरंग दल वालों ने सेक्टर 12 में खूब हंगामा किया है। अच्छा जी जी, आपने वीडियो देखे? नहीं देखे? नहीं नहीं, मेरे पास वीडियो भी नहीं आया, कोई फुटेज भी नहीं आया। मुफ्ती साहब फोन उठा नहीं पाए थे। मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ ये भी, तो मुझे डिटेल बता दीजिए थोड़ी। मैं आपको वीडियो भेज दूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं अपना क्या, फोटोज वीडियो भेज दो और आप मुझे डिटेल बता दो अभी। डिटेल ये है कि यहाँ पर इन्होंने नारे लगाए, क्या नाम है, कुलभूषण भारद्वाज ने जी, सेक्टर 12 में, ठीक है, और 10 मीटर नजदीक आ गए नमाज तक। अच्छा हाँ, पुलिस जितनी बेहतर तरीके से इंतजाम था इनका, हाँ, सेक्टर 47 में उस तरीके से था ही नहीं इनका, जबकि इनको पहले से मालूम था कि, कल शाम से मालूम था कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है 12 में। जी जी जी। तो इन्होंने यहाँ पर कुलभूषण भारद्वाज ने खूब अपना हल्ला किया, नमाज चल रही है, इधर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो ये होता रहा। इन्होंने अगली बारी के लिए चेतावनी दे के गए हैं, प्रशासन पे भी एप्लीकेशन सबमिट करके गए हैं। अच्छा अब हाँ, तो अब वीडियो में खैर मैं आपको भेज ही रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो। मुनासिब, ठीक है, ठीक ठीक।